वो करवा रही है कि मैं मीडिया पे आऊंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। तुम्हारा मसला है, तुम घर तक सॉल्व करो, तुम मुझे क्यों बीच में लेके आ रही हो यार। नेपाली गाइस ये डिलीट करो यार, डिलीट करो ये पोल। जिस बात का नहीं पता मत बोलो। वो तो फिर सुरेश को पता है मेरी गलती नहीं है, मैंने क्या की है यार। मैंने कहा एक दफा बोल दो सबको कि मेरा कसूर नहीं है, तुम बीच में मुझे लेके आ रहे हो यार। वो लड़की क्या चाह रही है तुम लोगों को नहीं पता। जो चीज तुम लोगों को नहीं पता उस बारे में मत बोलो यार। एटलीस्ट अगर वो सामने आ रही है तो वो खुद से पहले सामने आए ना, सबको बताए ना यार। यार क्या पता ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग। शादी 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 लगा लेते हो यार, मैं नहीं लेना चाहती उसकी जगह। यार क्या पता ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सुरेश को नहीं पता क्या, उसने झूठ बोला फिर। वो है तो होगी तो पब्लिकली आए। तुमने जब सुरेश को ये सब बोला तो उसने कोई जवाब नहीं दिया? मुझे पता चल गया था कि ये सब अब हो गया है, ये सब पब्लिकली हो गया है, तो अब मैं सुरेश से क्या बात करूं। मैंने कहा सिर्फ एक दफा सबको बता दो, मेरा नाम इस तरह मत लो कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया या ऐसा कुछ करके फिर साइड पे मत हो। सबको सच बताओ यार कि मैं क्या फील करती हूँ यार। सबको पता है यहाँ पे, सबको लग रहा है वो बेचारा है, उसके साथ मैंने गलत किया। मैंने क्या गलत किया यार, वो ऐसे शो कर रहे हैं कि उसको कुछ पता ही नहीं है। और तुम 100% श्योर हो कि जो लड़की है सुरेश को पता नहीं है क्या? वो क्यों बोल रहे हैं कि उसको भी नहीं पता? यहाँ पे वो पब्लिकली रहे यार। सुरेश की वाइफ है या नहीं है? आप लोग क्या कह रहे हो यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है या नहीं है। यस और नो? है तो वो खुश रहे, उसके साथ उसकी जगह नहीं लेना चाहती कभी। नहीं, देखो मैं जो फील करती हूँ मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये करना है वो करना है। नहीं देखो, अगर सच में अगर है, मैंने सिर्फ यही कहा वही बोलो लाइफ पे जो निभा सको, ठीक है। लाइफ पे ऐसा मत बोलो कि इसने मुझे रिजेक्ट कर देना है वो। तुम लोग मत बोलो, तुम लोगों को नहीं पता जब कन्फर्म। तो अगर है तो फिर तुम्हारा देखो सच में अगर है और तुम्हें अगर मैंने सिर्फ सबको यही बोला है कि कुछ होगा तो पता चल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है हम लोगों का। चुप करो, नहीं पता तुम लोगों को। चलो अगर अगर लेट से अगर है बीवी उसकी जो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है और तुम्हें ये अब पता चला है तो क्या मुझे पता चला? उसको भी अब पता चला? वो कह रहा मुझे नहीं पता। तू सबके सामने आ गया, सब कुछ सबके सामने, तो सबके सामने एक दफा बोल दो ना यार। नहीं देखो ये तो अच्छी बात है, अगर तुम बीच में नहीं पड़ना चाह रही ये तो अच्छी बात है ना। If you don't want to get involved in their आए, आए। Okay. जो से जानते हो उनसे पूछो यार, इन लोगों से क्यों पूछ रहे हो यार। सुरेश को सामने लाओ यार, ताकि उसके सामने बात हो यार। उस लड़की को भी सुकून आ जाए यार। हाँ वैसे सुरेश को एक बार बोल देना चाहिए पब्लिकली यार। है तो है भाई, उसकी लाइफ में मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे बोल रहा है मुझे सेंड करो, उसको नहीं पता क्या? तो अब हमें क्या करना चाहिए एलिया? मुझे क्यों बोलते हो? You don't want him. मैं नहीं चाहती भी हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? तुम लोगों को नहीं पता। I want him or not. पागल हूँ मैं। हम्म।
यार ये तो बहुत बुरा हो गया यार, ये सब तो नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं इट्स ओके, तुम ना लो ना लो ना लो तो बेहतर है। हमें थोड़ी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना लो नाम तुम। उसकी प्राइवेसी है, मैंने शुरू से उसकी रिस्पेक्ट की है, मैंने नहीं लिया उसका नाम यार, वो जो भी है उसको मैं उसका नाम नहीं लेती, वो क्यों मेरा नाम ले रही है यार इस तरह। उसको लग रहा है कि तुम बीच में आ रही हो उसके और सुरेश के बीच में होगी। ओके देखो ये बात आगे तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक मैंने नहीं बोला किसी को भी पहले ऐसे, पहले भी जब रिंग वाली बात हुई थी मैंने कहा था ये सच में आप सीरियस हैं। उसने क्या कहा था उस वक्त, उसने क्या कहा था फिर? मैं ठीक है मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो, मुझसे सब बेहतर है, मुझसे सब बेहतर है। आई नो गाइस आप लोग कह रहे हो कि सुरेश को कॉल करो, मैं चाह रहा हूँ लेकिन वो इस टाइम लाइव भी नहीं है। और पता है एलिया आई डोंट थिंक सो कि ये बात आगे बढ़ेगी जब तक सुरेश खुद कुछ ना बोले। सुरेश नीड्स टू से समथिंग ना, वो बोलना नहीं चाहता यार किसी बारे में भी, उसके बारे में भी नहीं बोलना चाहता, मेरे बारे में भी नहीं बोलना चाहता, उसे खुद नहीं डिसाइड हो रहा उसने क्या करना है। तुम क्या चाहती हो एलिया? सबको पता मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन मैं जो चाहती हूँ वो नहीं हो सकता। सीधा बोलते मेरे दिल में जो होता है वही मुंह पे होता है, मैं यहाँ फेक नहीं बन के बैठ सकती। बहुत लोग हैं यार जिनके साथ मैं लाइव बैठ सकती हूँ, मैं उसके साथ बैठ सकती हूँ, कोई मैं उसके साथ स्पीक नहीं करती यार। किसने कहा तुम्हें? मैं गंदी हूँ, मत देखो मुझे, मत करो मुझसे बात, मेरे बारे में भी बात मत करो यार, मैं बुरा, मेरे बारे में भी बात मत करो। कौन तुम्हें बुरा कह रहा है एलिया? ये लोग सब बोल रहे हैं तुम बुरी हो, तुम बुरी हो, तुम बुरी हो, वो अच्छी है, फला अच्छी, फला अच्छी है, इनको तो सभी अच्छे लगते हैं। देखो शायद कुछ इस तरह की कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता है, जो हमें पता है, जो शायद पब्लिक को फिलहाल नहीं पता। तो बताओ ना यार पब्लिक को, तो एटलीस्ट बता दो पब्लिक को, वो मैंने पब्लिकली बता दिया, तो तुम पब्लिकली कुछ एक लिख लो तो बोलो मेरे बारे में। सुरेश को सामने लाएंगे ना अगर हम, और सुरेश अगर कुछ बोलेगा तभी ये मामला सही होगा, हमें तभी समझ में आएगा जब सुरेश सामने आएगा और ये मसला हल तभी होगा। वरना इस तरह एलिया इट्स ओके ना, देखो अब जो हो गया है फिर वो हो गया है, यू डोंट हैव टू क्राई, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू क्राई। यहाँ पे और होस्ट नहीं है के साथ, मुझे बोलते तुम फेम के लिए करते हो, तुम व्यूज के लिए करते हो, और लोगों के साथ नहीं बैठ सकती क्या? मैं पाकिस्तान में लोग नहीं है और कहीं और लोग नहीं है, पूरी एशियन कम्युनिटी में और कोई नहीं है जिसके साथ मैं बैठूं। मुझे फेम चाहिए, मेरे लेवल में है, मुझे फेम नहीं चाहिए, लेकिन मुझे हेट तो नहीं करो, मुझे बदनाम तो नहीं करो सबके सामने, तुम मेरा नाम बोल रही हो यार। यार ट्राई टू जॉइन सुरेश, वो लाइव नहीं है ना भाई, आई थिंक उसने उसको कट नहीं करना चाहिए था, उसको क्लियरिफाई करना चाहिए था जो भी बात है। सो ही शुड हैव क्लियरिफाइड कि मेरा कसूर है। जब देखो उसने पहले मुझे कहा कि उसको मसला है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं लाइव आ सकता, तो मैंने बोला ठीक है तुम मेरे साथ लाइव बताओ, हर चीज मैं अपने सर पे ले लूंगी, मैं सबको ये बोल दूंगी कि मेरे मसले हैं, मैं सुरेश के साथ लाइव नहीं आऊंगी, मैंने पहले ये सब किया है, मैंने पहले सबको बोला है कि मेरा कसूर है, सबने मुझे ये किया पहले भी, इनको पता है, पूछो इनसे।
बोला है, पहले मैंने बोला है कि ठीक है मेरे को सूर्य महन दो उसके साथ लाइव नहीं आऊंगी, सबने कहा ये धोखेबाज है, वो लाइव में बैठ के रोने लग गया है, वो मेरे लिए ये नहीं रो रहा था, वो लाइव पे रो रहा था, सबने कहा वो इनोसेंट है, वो सही है, मैंने हर चीज अपने सर लिया, मैं कितनी दफा हर चीज अपने सर लू यार। अच्छी बात है कि तुम नहीं चाहती कि किसी के फैमिली में कोई इश्यूज हो, ये तो अच्छी बात। मैंने ये बोला, मैंने जबकि इवन मेरी फैमिली है, मैंने कभी नहीं बोला कि ये बात हुई है, ये बात हुई है, ये बात हुई है, जबकि अभी भी 100 बातें हो रही है। हर दफा मैंने कहा ठीक है सब कुछ मैं अपने सर पे ले लूंगी, हर इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूंगी, लेकिन एटलीस्ट ये तो नहीं करे मेरे साथ। अब ये मैं अगर उसके साथ रिलेशनशिप में होती है, मैं उसकी जगह लेना चाहती, मैं बोलना नहीं चाहती, मैं अगर उसकी जगह लेना चाहती तो मैं बोलती ना सबके सामने कि मैं वो उसके साथ हूँ, अकेले उसके साथ आती, मैंने तो अकेले वीडियो भी नहीं पोस्ट की कि उसको बुरा ना लगे। हाँ गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मामला किसी तरह सही हो जाए, आई एम ट्राइंग, लेकिन अभी इतनी उसकी वजह से उस लड़की को बुरा नहीं लगे, मैंने वीडियो भी नहीं पोस्ट की। सामने आना चाहिए, इन लोगों ने उसको भी गलत समझा कि ये क्यों नहीं पोस्ट कर रहे, क्यों नहीं पोस्ट कर रहे, क्यों नहीं पोस्ट कर रहे, इन्होंने उसको भी गलत कर दिया, ये गलत है, ये लड़की पोस्ट नहीं कर रही है। आई स्वेयर टू अल्लाह, अल्लाह पाक की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सब समझ रही प्रैंक है। तुमने कसम खा ली है? अल्लाह पाक की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। ओके भाई, अब तो इसने कसम खा ली है, फिर तो ये बिल्कुल भी मजाक नहीं हो रहा। वो जो सच तो बोल रहा है, वो किसके साथ रहना चाहता है? मैं कभी तुम लोगों के बीच में आई हूँ, मैं दोस्त बन के रहूंगी, तो दोस्त बन के रह रही हूँ, तो मैं तुम मेरे बारे में इस तरह बुलवा रहे हो, उसको एटलीस्ट बोलो तो सही, मेरे बारे में नहीं बोल रहे इस तरह यार। आई थिंक सुरेश, मुझे पता है सुरेश कि तुम इस वक्त देख रहे हो, आई नो, ठीक है, सुरेश इज नॉट लाइव, इस मामले को सही करते हैं। हाँ आ जाओ सुरेश, लाइव आ जाओ, हम आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं। सबके सामने बोलता नहीं रहता है कि इसके साथ है, और वो जो भी, वो मैं नहीं बोल रही हूँ उसकी क्या लगती है, मैं नहीं बोल रही हूँ उसकी वो क्या लगती है, लेकिन वो उसको थोड़ा तो समझाए कि एटलीस्ट अगर तुमने अपने आप को सामने लाना है तो तुम उस लड़की को तो बुरा मत बनाओ, उसकी उसको तो बदनाम ना करो, कल को उसकी फैमिली में इशू होंगे। मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं अपनी मामा के साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ, मैं अकेली तो नहीं रहती, मैं अकेली आज तक नहीं आई, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, मैं अगर करके आई हूँ, मैं यहाँ पे ये बातें सुनने के लिए आई हूँ कि मैं उसके साथ रह रही हूँ, मैं कहाँ पे उसके साथ रह रही हूँ, मुझे दिखाओ तो सही। नहीं नहीं साथ नहीं रह रही। सब लोग सोचेंगे तुम बुरी हो, तुम धोखा दे रही हो, मैं उसको क्या धोखा दे रही हूँ, बताओ। चलो कोई बात नहीं है लिया, इट्स ओके। देखो अगर अगर पब्लिक नहीं समझ रही, सबको आगे बता दे कि अच्छा ठीक है, अगर सबको पता चल गया है, सब चीजें सामने आ गई है, तो फिर भी
को चूज करे वो उसके साथ रहे लाइव। बस ओके, रोना बंद करो, पानी पी लो। बी 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 कहाँ है? बी सब बैठी हुई है। मुझे पता था मुझे इतना हेट करेंगे ये लोग, फिर भी मैंने कहा ठीक है मेरा कसूर है, मैं जा रही हूँ। ओके तुम पानी पियो। पता था ये लोग मुझे हेट करेंगे इसलिए मैं नहीं बोल रही थी, उसकी उसकी इज्जत रख रही हूँ। हर दफा मैं उसकी इज्जत बचा रही हूँ, लेकिन थोड़ा तो मेरी इज्जत का भी ख्याल करो यार। बोलने में सिर्फ सच बोलने में मुझे हेट कर रहा था लोग। मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, ठीक है? मैं चुप रहती अगर मेरी फैमिली तक बात ना आती, अगर मेरे कैरेक्टर तक बात ना आती, मैं चुप रहती। लेकिन यार मुझे तो अच्छे से बेफिक्र करना मत करो, एडमिट कर लो यार। वो क्या लगती है, जो भी लगती है बोल दो, एक दफा टेंशन ही खत्म हो जाएगी। मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रही, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। बस हमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत है उसकी तरफ से। मुझे कहते वॉइस नोट चलाओ, मेरे पास नहीं है क्या वॉइस नोट? मैं नहीं चला सकती, लेकिन मैं नहीं, मुझे उसकी इज्जत का ख्याल है। मैं नहीं चला रही वॉइस नोट, तुम लोगों ने सुन लिए होंगे लाइव में। सुरेश लाइव में पता है, हमें तो हमें पता है, आप बैठ के देख रहे हो। बड़ी चीज तो मेरे उस पर डिजर्व करती हूँ, नहीं करती मैं। देखो गाइस, और जाहिर सी बात है इतना बड़ा मसला चल रहा है, इतने लोग देख रहे हैं, सुरेश खुद भी लाइव नहीं, लाइव कट करके चले गए। जाहिर सी बात है सुरेश भाई, हमें पता है आप लाइव। मेरे पास उसके वॉइस नोट भी है, मेरे पास हर चीज है यार, मैं पब्लिकली नहीं करना चाहती। भाई देखो लाइव आ जाओ। हाँ सुरेश भाई कम लाइव, वी बता दो ठीक है, तुम लाइव पर बोल दोगे ना, कोई तुम्हारी लाइफ में है या तुम जो भी बोल दोगे, जो भी उसने बोला है मैं सब कुछ एडमिट करके फिर भी मैं बोलूंगी मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। मैंने पहले भी ये बोला था, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, चाहे उसकी शादी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं हमेशा उसकी रेस्पेक्ट करूंगी और मैं ऐसे साथ रहूंगी। मैंने इनको बोला था कि कपल मत बनाओ, जिस चीज का नहीं पता वो मत करो, कपल मत बनाओ, शादी शादी मत करो, जो चीज पॉसिबल नहीं है वो मत करो। वो मैं अपनी वजह से नहीं कर रही, मैं पीछे हट रही हूँ या मैं धोखा दे रही हूँ, मुझे उसकी फैमिली का ख्याल है। चलो ओके, हेट करना तो मुझे हेट करो यार। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं डोंट वरी, यहाँ पे कोई किसी को हेट नहीं करेगा। बस हम डोंट वरी, हम उसके साथ मेरी जो फीलिंग है वो मुझ तक है, मैंने कभी किसी पे मुसल्लत नहीं किया। सुरेश को लाइव आ जाना चाहिए इस वक्त ताकि हम ये बैठ के मसला सॉल्व करें, लेकिन आई डोंट नो व्हाई सुरेश भाई लाइव क्यों नहीं आ रहे। मैं बातों में बोल देती थी कि जो भी मसला होगा, जैसे भी होगा, मैं हमेशा साथ रहूंगी। और उस लड़की को ये बात बुरी लगी है, उसने मुझे भी कहा है, उसने कहा ठीक है अगर तुम उसके रिस्पेक्ट करती हो अंदर उसके साथ लाइव मत आना। उसने कहा तुम उसकी रिस्पेक्ट करती हो या तुम उसके लिए जो भी फील करती हो अंदर तुम उसके साथ लाइव मत आना। उस लड़की ने ये तुम्हें कहा? हाँ, मेरे पास सब चीजें हैं, लेकिन मैं नहीं पब्लिक के लिए करना चाहती यार। जब मैंने उसकी कोई चीज पब्लिक नहीं की तो वो मेरी बारे में झूठी बातें क्यों कर रही है? पब्लिक करने को मैं नहीं कर सकती। नहीं नहीं, तुम ज्यादा पब्लिक नहीं, तुम ना लाओ उसका नाम भी नहीं लिया यार। ना लो तुम उसका नाम मत लो, ना ही तुम उसका कुछ चलाओ। मुझे सब लोग हेट करते हैं, तुम उसके साथ बैठते हो, तुम इसके साथ बैठते हो, इसके साथ बैठते हो, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरी रिस्पेक्ट करता है। तुम उस
लड़की से इजाजत लो, अगर वो इजाजत देती है तो फिर तुम उसकी उसका नाम, उसके वॉइस नोट, व्हाटएवर सब कुछ तुम सामने लाओ। अरे तुम उससे बात भी नहीं करना चाहती? ओके ठीक है, देखो अगर अभी सुरेश नहीं लाए बारा तो फिर इसके दो ही हल हैं कि तुम लाइव को बंद करो, उसको कॉल करो। देखो वो लड़का है, उसको कोई कुछ नहीं कहता, सब ठीक है, मेरा नाम जोड़ते हैं उसके साथ, ठीक है, मैं फिर भी कुछ नहीं कहती, ठीक है, चाहे जैसा भी है, लेकिन एटलीस्ट बुरी तरह आकर लोग नाम ले गए तो एक दफा तो बोल दो कि मेरा कसूर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं सुन, ये तुमने सही बात बोली है। चलो हम ना आज रात को कहीं हम सब इकट्ठे बैठते हैं और इस मसले को सही करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है ना? तुम प्लीज रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग, पानी पियो, ठीक है? तुम एक ब्रेक ले लो, लाइफ को बंद करो अपनी, ऑलराइट? सब कुछ बंद करके चले जाऊंगी मैं। हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, हो जाएगा, मसला सही हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? हम उसको आज रात को हम उससे मिलते हैं, या तो मैं उससे मिल लेता हूँ, जैसा भी है, और एक फाइनल डिसीजन लेते हैं कि पहले तो हमने हकीकत जाननी है। नहीं नहीं, तुम किसी का घर खराब नहीं करना चाहती। हमने सबसे पहले तो हमने हकीकत जाननी है उसकी तरफ से, सुरेश की तरफ से। हाँ हाँ, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि तुम गलत कह रही हो, ठीक है, तुमने कसम खाई है। मैं क्यों किसी का घर खराब करूंगी? मैंने तो पहले ही बोल दिया कि गाइस प्लीज इस तरह की बात मत करो। इवन मैंने सुरेश को भी डांट दिया था कि रिंग तब दिखाना जब ऐसा कुछ हो, सच में पहले हम हकीकत जानेंगे सुरेश की तरफ से, ठीक है? हर जो कोई सिक्का पड़ा हुआ, इधर नहीं पड़ा, नहीं पड़ा हुआ, खैर जो कॉइन होता है ना उसकी दो साइड। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही सीरियस बात बोल रहा हूँ कि एक सेकंड देखो, देखो कॉइन के ना दो साइड होते हैं, एक साइड तुमने हमें बता दी है, अब हम दूसरी साइड जाना चाहते हैं उसकी तरफ से, ओके? तो जैसे ही हमें बताएगा कि क्या क्या ये सब कुछ ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, उसकी तरफ से भी हम जान लेते हैं, और फिर उसका जो हमें जवाब आएगा उस हिसाब से हम आगे डिसीजन लेंगे कि क्या तुम और सुरेश ये सब कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे, ठीक है? दिस इज दी ओनली सोल्यूशन जो दिमाग में आता है। तो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूं, मैं नहीं करना चाहती उसकी डिसरिस्पेक्ट, लेकिन वो लड़का है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। थैंक यू गाइस फॉर द कमेंट्स यार, थैंक यू। देखो हम सबको साथ देना है, एलिया का भी और सुरेश का भी, ठीक है ना? हमने किसी एक का साथ नहीं देना कि हम लोग जो है एलिया को पसंद करते हैं तो हम एलिया की साइड लेंगे, या हम सुरेश को पसंद करते हैं तो सुरेश की साइड लेंगे। मैं किसी को नहीं कह रही कि मुझे यहाँ पे कोई बनाना, छोड़ दूंगी मैं टिकटॉक लाइव, छोड़ दूंगी, मैं नहीं आऊंगी टिकटॉक लाइव पे। हमने उसका साथ देना है जो सच्चाई है, ठीक है? We need to be with the truth, okay? हम जो सच है उसका साथ देना है, वो सुनो पहले, जो सच है वो सुनो, कि वो लड़की उसे मैं पसंद नहीं हूँ, उसको भी पता है उसे मैं पसंद नहीं हूँ, उसे क्यों पसंद होगी कोई लड़की कोई भी बात करे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी की लाइफ में हूँ या मेरी किसी से शादी होती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि बात करे मेरा हस्बैंड किसी से, मेरा जो बंदा हो किसी से बात करे, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर है मुझे वो लड़की बुरी लगेगी, लेकिन एटलीस्ट मेरा जमीन ही
मत लो अलिया, ठीक है ना, टेक इट इजी। दूसरी लड़कियों को पता है तो वो लोग क्यों नहीं बोलती है? इंशाल्लाह हम इसको मसले को सही करेंगे, ठीक है? बी पॉजिटिव, तुम भी पॉजिटिव रहो। एवरीबॉडी लोग बनाते हैं ना, लोग बनाते हैं ये वो शादी, बट मैं ये वो बात बोलती हूँ जो मैं निभा सकूँ। अगर मैं बोलूंगी ना तो मैं वो निभाऊंगी। जो मैंने बोला था मैं दुबई आऊंगी तो मैं आई हूँ, मैंने निभाया है। यस तुम आई हो और तुम उसी, यस तुम सही कह रही हो, यू राइट अबाउट दैट। इजी हो जाओ, ठीक है? Easy हो जाओ, easy हो जाओ, take it easy, take a break, थोड़ा सांस लो, पानी पियो, कुछ खाओ तुम। बता देगा, बता देगा, वो बोल देगा, don't worry, हम उसको याद दिलाएंगे। शुएब भाई को बुला लो।
किसी को बुला लो। लेकिन खुदा का वास्ते ये सब क्लियर करो यार, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा सारा भगवान की तरफ है क्योंकि मुझे पता नहीं है अभी जब तक मैं सुरेश की तरफ से नहीं सुनूंगा कुछ, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने सिर्फ तुम्हारी तरफ से सुना है, जब तक मैं उसकी तरफ से नहीं सुनूंगा मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता। मैं लाइव बंद करके जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ सबसे बात कर लो, लेकिन एक दफा ये क्लियर कर लो। अगर नजर आता है मैं उसको रिक्वेस्ट भेजूंगा और वो आता है या तो फिर हम आज रात को मुलाकात कर लेंगे सब। ओके तो तुम अपना ख्याल रखो, सब लोग मुझे भी फॉलो कर लो इनकेस मैं चाहिए क्या बात होती है। ठीक है तो तुम ख्याल रखो अपना है। अरे अरे आए सामने आ गया तो बोल दे। सच है ही नहीं तो कैसे बोल दो यार,
अगर वो उसको मालूम है किसने पटाया, किस लड़की ने पटाया, तो मुझसे क्यों पूछते वो? उसको खुद पता है तो मुझसे क्यों पूछते? अल्लाह कसम से मैं बोल रहा हूँ, अभी इतना ये नाइट का ये मिड नाइट हो गया है ना भाई। राम ये लोग बोल रहे हैं कि उनको नहीं पता, कहते हमने उनसे पूछा था, वो कह रहे मुझे तो नहीं पता। आप सुरेश के दोस्त हो? सुरेश भाई हाँ भाई है, भाई सगे भाई हो? हमको तो मालूम नहीं है भाई, मेरा अंकल का चाचा का बेटा है। ओके, तो जो ये बातें हो रही हैं कि सुरेश का कोई है, कोई बीवी है, पता नहीं क्या है, ये सब कुछ, ये सारा मसला हो रहा है। वल्ला कसम, अभी मैं बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने सुना है बी की तरह, ये आलिया की तरह मैंने किसी से सुना है okay. मैंने उसको पूछा, अगर मैंने आपको भाई भाई की तरह देखा है, अगर आपको मुझे भाई की तरह देखेगा तो मुझे बता देना। उसने बोला अरे भाई यार अभी कुछ ऐसा हो तो मैं आपको नहीं बता दूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं, किसका नाम लूं? ये मसला तो कोई हल इसका यही नहीं, सिर्फ इसका यही हल है कि सुरेश सामने आए। सुरेश सामने क्यों नहीं आ रहा भाई? नहीं वो पता कर रहा है कल कौन है वो जिसने ये रेता फैला हुआ ना, वो कौन है? अभी 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 बोलो तो भाई, डॉक्टर आलिया से भी बहुत लोग हो गए जो चाहते उसको, है ना, उसकी हैबिट को, उसकी खूबसूरती को, सब चाहती होगी। और इसका मतलब कोई सुरेश को अरे डॉक्टर आलिया के साथ मेरा ये बोल के तो अगर सुरेश विश्वास किया तो खत्म हो गया ना। आलिया सुनो, आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलो भी, बोलो भी। एक मिनट तुम बात ही मत करो मुझे, आप म्यूट हो, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, यू आर म्यूट। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्यूज मी? मुझसे इस तरह से मत करो, ठीक है? आई डोंट नो मैं तुम्हारा नौकर, जस्ट कीप वेट। इस तरह से बात मत करो, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, तू जाकर तेरी बीवी से उस तरह बात कर, ठीक है? एक मिनट, मैंने क्या बोला? आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर हल कर रहा हूँ, हल करने आयो, मैं आपसे यहाँ पे हल करने आयो मैटर का, और मेरे मैटर से कुछ लेना देना नहीं है, तो मेरे सामने तुम्हारा मैटर अलग है भाई, ठीक है? मैं रिस्पेक्ट करता हूँ भी, तुम्हारा मैटर अलग है, अभी दूसरा मैटर है। आज मैंने देख, अभी इधर इधर बात करने दो, आलिया के साथ मुझे बात करने दो। तुम यार आलिया के साथ फोन दिया है, मैंने उसे लिया नहीं है। अच्छा आप लोग लड़ो तो नहीं ना यार, एक वैसे ही मसला चढ़ा हुआ है, हम लोग एक और मसला पैदा करने थोड़ी आए ना यार। मैं सवाल पूछने आ रहा था, मैंने लिया नहीं है, ठीक है? जयराम रिस्पेक्ट करना सीखो, इस तरह बकवास की तरह मेरे साथ बात मत करो, तेरे घर में चलता होगा, मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं जितनी अच्छी हूँ ना, मैं उतनी बुरी भी मन सकती हूँ। ये सुरेश और एलिया का मामला है तो आप भी निकल जाओ, आपको क्या लेना देना इस चीज से? सुरेश का भाई हूँ। हाँ तो मैं भी एलिया की बहन हूँ, फिर तो मैं आपके बहन से बात करूंगा ना। हाँ तो आप जाके मेरे भाई से बात करो। आपको भी लेना देना, मैं उसे की बात करूँ जिसको सुरेश के बारे में मैंने जितना समझ आया उसका समझ उसके पास नहीं है। एलिया को बात नहीं करनी थी, उसने खुद मुझे फोन दिया है, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात करो कि आप म्यूट हो। आप इसीलिए कि इसीलिए आप दुखी हो, हर जगह पे रिस्पेक्ट होती है। किस चीज के लिए मैं दुखी हूँ बताओ? आपने मैं किस चीज पे मैंने डिसरिस्पेक्ट किया था बताओ? क्या बोला? मैंने कहा जयराम आपने सीधा क्या बोला? तुम म्यूट हो भी, तुम म्यूट हो, तुम बात मत करो। अपने ब्रोड में तो तुम म्यूट हो, बोलने में तो चलती है, अभी यहाँ बोलने में तो क्या हो गई?
मतलब ये तो मतलब? तुम्हारे बोर्ड में हमारे बोर्ड में हम लोग क्या हो गई? अच्छा तो तुम मुझसे बेइज्जत करके बोलो तुम म्यूट हो भी, तुम चुप करो, तुम म्यूट हो, वो आप बेइज्जत होने लगा जब अपनी ब्रोड पे चलती है, मेरी हम मेरी ब्रोड पे आप आती है म्यूट बोलती है तो वो फ्री हो गए। अभी बोलो तो अब बेइज्जत हो गई। कब तुझे म्यूट बोला है बताओ? नहीं हम लोग ब्रोड पे जाकर एक आपस में ब्रोड आपके ब्रोड पे जाकर मेरे ब्रोड पे जाकर कसम से राम तुम म्यूट होने बोलते हैं। रहने दो। अच्छा राम भाई रहने दो। तुम लोगों का यही है ना कि जब तक मैं साथ दे रही थी तब तक भी अच्छी है, और जब मैंने मेरे लिए स्टैंड लिया तब मैंने बोला देखो भी ये आपकी छोटी सोच है, ये मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। आप छोटी हो, आपकी सोच छोटी है, आप खुद छोटी हो, आपकी पूरी खानदान है। फोन लो खानदान में मत जाओ। अच्छा बहुत ओके गाइस 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 इनफ 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 खानदान में मत जाओ अभी, इनफ बहुत हो गया। लेकिन ये सब मत करो। आइंदा से मैं टिकटॉक लाइव पे नहीं आऊंगी। ये सब फेक, ये सब जितना झूठ बोलो उतना तुम लोग आगे बढ़ते हो, जितना झूठ बोलो उतना बढ़ाते हो, जितना झूठ बोलो उतना अच्छा समझते हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं आना लाइव। तुम लोग सिर्फ झूठ को प्रमोट करते हो, तुम लोग सच बोलते ही नहीं हो। फैमिली की तरह समझ के बैठती थी यहाँ पे, तुम सब लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे लगा सच में मेरी फैमिली की तरह हो तुम लोग। सिर्फ झूठ को प्रमोट करो तुम लोग सिर्फ। बाकी लड़कियां सही कहती थी, वो सच्ची थी वो। बहुत अच्छा हुआ सब, बहुत अच्छा हुआ सब, बहुत अच्छे। मैंने कभी किसी के बारे में कोई बात नहीं की, मेरे बारे में क्यों हो रही है यार? हमेशा तुम लोगों को बस झूठ अच्छा लगता है।